आराधना करूं, आराधना करूं, संपूर्ण हृदय से सदा आराधना करूं, वंदना करूं, वंदना से हर पल प्रभु वंदना करूं, अर्चना करूं, अर्चना करूं, चरणों में निस दिन तेरे अर्चना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासी दर्शकों, खुशी से प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। वचन कहता है समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। समस्त सृष्टि, आप, मैं और हम सब प्रभु की महिमा करने के लिए और उसके अपूर्व कार्यों का बखान करने के लिए बनाए गए हैं। आइए प्रिय विश्वासी, स्तुति आराधना के इस क्षण में हम अपने हृदय को खोल के जीवित प्रभु यीशु मसीह के शरीर के सामने अपने मन के सभी भाव को प्रकट करें, उसे स्तुति और आराधना दे। वचन कहता है स्वर्गदूत निरंतर स्वर्ग में प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, क्या आप यह समझते हैं कि एक स्वर्गदूत से भी कई अधिक कारण हमारे पास है प्रभु को स्तुति आराधना देने के लिए? बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। हम मनुष्यों के लिए उन्होंने दुख भोग सहा और अब पिता के दाहिने बैठकर वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्या हमारे पास स्वर्गदूतों से अधिक कारण नहीं है प्रभु की स्तुति आराधना करने का? आइए प्रिय विश्वासियों, इस सुंदर क्षण में अपने आप को, अपने शरीर, मन और आत्मा को जीवित प्रभु परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए, उसकी स्तुति आराधना में लीन होते हुए, अपनी आत्मा को पोषण देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हालेलुया, तेरी हर पल महिमा हो, यस लॉर्ड। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, yes, Lord, मेरा पहला पहला, मेरा पहला प्यार है प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हम सब मिलकर गाए, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हम एक और बार गाए, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो,
तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु मसीह को धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, इस संसार में दो ही ऐसी चीज है जिनकी गहराइयों का पता लगाना लगभग असंभव है। एक है महासागर यानी कि समुद्र, और दूसरा है एक मनुष्य का हृदय। हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है प्रभु समुद्र और मानव हृदय दोनों ही की थाह लेता है और उनके सभी रहस्यों को जानता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हां प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु आपके हृदय के हर प्रकार के विचारों को जानता है। आपने जो आंसू अकेले में बहाए हैं वह सब का हिसाब रखता है। जो कोई नहीं जानता, जिसे किसी ने नहीं देखा, उसे प्रभु ने देखा है। आपकी खामोशियों को, आपकी चुप्पी को प्रभु सुनता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मुस्कुराते हुए जीवित प्रभु यीशु मसीह के शरीर को देखते हुए कहें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हां प्रिय विश्वासियों, वह जीवित प्रभु है। वह आपके और मेरे मन की गहराइयों की थाह लेता है, जिसे कोई और नहीं देख सकता, जो सबके लिए अदृश्य है, जो बातें आपके अंदर ही अंदर चलती हैं, जिन बातों में आप दिन रात घुटते हैं, जो आंसू आपने सोते वक्त अपने तकियों पर बहाए हैं, सब कुछ का हिसाब, सब कुछ का हिसाब किसी और के पास नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसीलिए प्रिय विश्वासियों, आज अपनी बाहें खोलकर मुस्कुराते हुए प्रभु आपको आमंत्रित करता है। वह अपने वचनों में कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं आदि से अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की प्रशंसा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना, आमीन। यस लॉर्ड। खामोशियों मेरी खामोशियों को समझा तूने, समझा तूने प्रभु, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हे प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु तेरी आस में बैठे हैं, उन सबको तू देखता है प्रभु, तू हर एक से प्यार करता है। आज हम अपने शब्दों में तुझे पुकारते हैं प्रभु, पुकारिए सुनने वाला प्रभु, अपने कान खोलकर भी आपको सुनता है। पुकारिए अपनी शक्ति से, पुकारिए अपनी आत्मा से, पुकारिए अपने शब्दों से, पुकारिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रे 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
वचन कहता है, तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, वे प्रभु की ऊंचाइयों के चमकते अलंकार है। वे परम पावन प्रभु की आज्ञा के अनुसार पंक्तिबद्ध है और अपने जागरण में कभी नहीं थकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। जरा सोचिए, इस महान सृष्टि का रचयिता, आकाश के तारों को पंक्तियों में लाने वाला, उन्हें अपने अपने नाम से पुकारने वाला, मुझे और आपको, हम में से प्रत्येक को भी अपना नाम लेकर पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, यह हमारा कितना ही बड़ा सौभाग्य है कि उस महान ईश्वर ने अपना सिंहासन छोड़कर हमारे लिए क्रूस पर जान दिया और वह आज भी हमें देखता है, हमें संभालता है, हमारे आंसुओं को एक अपनी कुप्पी में जमा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उसकी स्तुति करते हुए इस सुंदर से गीत को गाएं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। आमीन। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू अवर्णित, तू सुंदर है, तू सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार है प्रभु, पहला प्यार, तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार, पहला प्यार, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हाथों को ऊपर उठाते हुए, हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति आराधना। प्रभु तेरे प्यार का वर्णन कोई नहीं कर सकता प्रभु, धन्यवाद यीशु। आज हम तुझे स्तुति और आराधना देते हैं प्रभु, अपने हृदय की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हमने लिया है संत मार्कुस अध्याय 12 पद 13 से लेकर 17 तक। उन्होंने यीशु के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा जिसे वे उन्हें उनकी अपनी बातों के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते हैं। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे? उनकी धूर्तता भांप कर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? एक दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे एक दिनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा है और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ
तो यीशु आज कहते हैं, जो राजा का है उसे राजा को दे दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। आज के वचनों में हमें देखने को मिलता है कि शास्त्रियों और फरीसियों ने एक षड्यंत्र रचा कि हम यीशु को उनके ही शब्दों में फंसा कर उन्हें दंडवत करें, उन्हें दोष लगा सकें, और इसीलिए वे आकर उनसे प्रश्न करते हैं, क्या हम राजा को महत्व दें या ईश्वर को महत्व दें। उनके शब्द कोरे शब्द थे, उनके शब्द खोखले शब्द थे। वे वास्तव में ना तो राजा को महत्व देना चाहते थे और ना ही ईश्वर को महत्व देना चाहते थे। वे सिर्फ प्रभु यीशु की परीक्षा लेना चाहते थे और आकर पूछते हैं, हम राजा को कर दे या ना दे। अगर यीशु कहते राजा को कर दो तो भी वो उसे दोष लगा सकते थे, और अगर यीशु कहते उन्हें कर मत दो तो भी वो दोष लगा सकते थे। यीशु दोनों तरफ से फंसने वाले थे, परंतु ईश्वर स्वयं ईश्वर थे और इसीलिए उन्होंने उनसे कहा, जो राजा का है उसे राजा को दे दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। क्रिस्ट में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज की दुनिया में देखें तो बहुत मारकाट हो रही है, बहुत ईर्ष्या और जलन एक दूसरे के प्रति है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। और ऐसे समय में आज का वचन हमें सिखाता है कि जो राजा का है उसे राजा को दे दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। इसका अर्थ ये है कि जो समाज कल्याण के लिए जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनका आप बखूबी तरीके से पालन करो। आप जब सड़क पर जाते हैं और सड़क पर कुछ नियम कानून होते हैं, क्या आप उन सड़क के नियमों का पालन करते हैं? आपके लिए और हम सभी के लिए समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रकार के नियम और कानून बनाए गए हैं, और वे नियम और कानून समाज को सही तरीके से जीने के लिए और हमको एक दिशा देने के लिए बनाए गए हैं। और इसीलिए मैं कौन हूँ जब मैं सड़क पर चलता हूँ, मैं कौन हूँ जब मैं पब्लिक संपत्ति को देखता हूँ और उसका इस्तेमाल करता हूँ, मेरा नज़रिया इस दुनिया को, इस समाज को, इस देश को रखने का क्या है? क्या मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ? क्या मैं मेरी भाषा से प्यार करता हूँ? क्या मैं मेरे लोगों से प्यार करता हूँ? क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का वचन हमें आह्वान करता है कि हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की भाषा का आदर करें, एक दूसरे की संस्कृति का आदर करें, और जो नियम कानून हमारे समाज के लिए बनाए गए हैं उसको उस प्रकार से पालन करें जैसे ये मेरे परिवार की खुशहाली के लिए बनाए गए हैं। और इसलिए आज के वचनों को मनन चिंतन करते हुए मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि हम हमारे समाज, देश और दुनिया के जो भी कानून बनाए गए हैं भलाई के लिए, उन सभी का पालन करें। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का वचन हमें ये शिक्षा देता है कि हम हमारे धर्म का पालन पूर्ण विश्वास के साथ में करें, हम हमारे ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ में उस पर भरोसा रखें। जो दूसरा भाग है, प्रभु कहता है जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। इसका अर्थ क्या है? जब मैं अपने धर्म का पालन करता हूं तो क्या मैं दूसरे धर्म का अनादर करता हूं? जब मैं अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने परिवार का आदर करता हूं, प्यार करता हूं, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं दूसरे के घर का, दूसरे की परिवार का, दूसरे की संस्कृति और भाषा का अनादर करूं? कदापि नहीं। मेरा धर्म में विश्वास करना, मेरा अपने ईश्वर में विश्वास करने का अर्थ ये है कि सारी दुनिया में जितने भी धर्म में विश्वास करने वाले भाई बहन लोग हैं, जितने भी भाषा भाषी के लोग हैं, जितने भी संस्कृति के लोग हैं, उन सभी का मैं अनादर नहीं करूं बल्कि आदर करूं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, दुनिया में परेशानियां तभी आती है जब मैं धर्म और राजनीति को मिक्स कर देता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि धर्म कौन सा है, राजनीति कौन सी है, और इसीलिए आज सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा सिर्फ इसीलिए होता है।
मनुष्य को पता नहीं कि क्या धर्म है क्या राजनीति है, और इन दोनों को मिक्स करके मैं वास्तव में इंसानियत की मूल आधार को भूल जाता हूँ। आज मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें ईश्वर प्रज्ञा और समझदारी का वरदान दे, ताकि हम एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे को प्यार कर पाए और इस तरह एक खुशहाल समाज का निर्माण कर सके। आमीन। जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कथाएं मानता हूँ तेरा करो अब ए प्यारे यीशु, तूने ही संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 1 में कहा है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हे प्यारे प्रभु, वचन कहता है तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहती रहे। तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम तेरे सम्मुख आए और इस वचन के शक्ति और सामर्थ्य की योग्यता से प्रार्थना करते हैं, राजीव कुमार को समर्पित करते हुए। प्रभु, संत योहन अपने पहले पत्र में कहते हैं ईश्वर प्रेम है, हा यु क्रिस्त में उपस्थित यीशु तो प्रेम है, और राजीव कुमार को अपने प्रेम से भर दे, उसके निराशा भरे जीवन में, दुख भरे जीवन में, चिंताओं से घिरे हुए उसके जीवन में अपनी आशीषों से भर दे, अपने अनुग्रहों से भर दे। राजीव कुमार के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। फिलिप थॉमस, जिसका लिवर डैमेज हो गया है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। सुबते थॉमस, जो लिवर के रोग से पीड़ित है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं निर्मल कुजूर को समर्पित करते हुए, यीशु ईसा मसीह नाजरी, जिसे ब्रेन हेमरेज हो गया है, तू वही प्रभु है जो नाइन नगर के अर्थी में लेटे हुए उस युवक के अर्थी को स्पर्श किया और उसे चंगाई प्रदान किया, उसे जीवन प्रदान किया। तू वही प्रभु है जो यह कहता है, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। ईसा मसीह नाजरी, तेरे पवित्र नाम की योग्यता से निर्मल कुजूर के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है और जिस समय हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मरियम पूर्ति प्रभु, महीनों से सालों से तेरी ओर देख रही है, उस रक्त सराव स्त्री के समान इस पर
करुणा कर प्रभु, दया कर प्रभु यीशु के फेफड़ों में पानी जब भरा हुआ है। चंगाई प्रदान करेगा तभी यह चंगाई प्राप्त करेगी, जब तू इसका उद्धार करेगा तभी इसकी उद्धार होगा प्रभु। इसके उद्धार के लिए, इसके चंगाई के लिए हम तेरी ओर हाथ उठाकर तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते। हालेलुया 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 यीशु की आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु चंगाई दे, प्रभु छुटकारा दे, प्रभु शांति दे, यीशु की आराधना यीशु की आराधना 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 आराधना। वी मस्ट ग्लोरीफाई यू हील अस ओ लॉर्ड जीसस दिया रबा बरा दे रे मेरे दिया रबा बरा दे रे हालेलुया हालेलुया। दिल में धीमी आवाज आई अपने का किया अपमान, इतना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, इतना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, सतपति का नौकर जो लकवा ग्रस्त था और बिस्तर में था, सतपति तेरे पावन चरणों में आकर तुझसे प्रार्थना किया और प्रभु तूने उसके लिए एक ही शब्द कहा, जैसे तुमने विश्वास किया है वैसे ही हो जाए। और सतपति का नौकर जो बिस्तर में था उसी समय चंगाई प्राप्त किया। प्रभु तू ही कहता है ईसा नाजरी, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। ईसा मसीह नाजरी तेरे पवित्र नाम की योग्यता से और इस वचन के सामर्थ्य से सुरेश तिर्की को अर्पित करते हुए याचना करते हैं जो किडनी के रोग से पीड़ित है, प्रभु उसे चंगाई दे। प्रार्थना करते हैं अर्पण कुमार बारा को समर्पित करते हुए जो क्रोनिक रोग से पीड़ित है, प्रभु उसे उससे चंगाई दे और प्रभु उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष दे। बलराम कुमार जो पैरालाइज्ड है, प्यारे प्रभु तू ही वह प्रभु है युक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, जो 38 साल से अर्धांग रोगी जो बेतसैदा के कुंड में पड़ा हुआ था, तूने उसके लिए एक शब्द कहा और वह अपना खाट उठाकर तेरी स्तुति करते हुए तेरे पीछे हो लिया। उसी प्रकार प्रभु बलराम कुमार के लिए और बलराम के समान उन सभी अर्धांग रोगियों के लिए, पैरालाइज रोगियों के लिए, लकवा से पीड़ित रोगियों के लिए एक शब्द कह दे यीशु, ताकि वो अपना बिस्तर ठीक करते हुए तेरे भवन को, तेरे वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके और तेरी स्तुति कर सके। यश पटेल को समर्पित करते हैं प्रभु जी, उसकी सारी चिंताओं को तू हर ले प्रभु जी, उसके घबराहटों से उसे छुटकारा प्रदान कर, उसके निराशा भरे जीवन से, दुख भरे जीवन से उसे छुटकारा प्रदान कर। और इस नित्य आराधना में उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने दुखों से घिरे हुए हैं, जो चिंताओं से घिरे हुए हैं, जो परेशानियों से और मुसीबतों से घिरे हुए हैं। ईसा मसीह नाजरी तेरे नाम के द्वारा सारे मुसीबत उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। ईसा मसीह नाजरी हम प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र नाम की योग्यता से उन सभी भाई बहनों के लिए जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन तूने कहा है मेरे पास तुम्हारे बच्चों के लिए भी एक योजना है। हाँ प्यारे यीशु, वह योजना पूर्ण होने के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे करुणामय दया सागर प्यारे प्रभु, उन सभी युवक युवतियों को अर्पित करते हैं जिस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं ऑनलाइन, उनके जीवन में अच्छा निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक और मार्गदर्शन देश के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, साथ ही साथ इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को जो तेरा है यीशु और तेरे नाम से पुकारा जाता है, इसीलिए अपने आप को महिमान्वित कर। और जो लोग वचन के प्रचार के लिए आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, नौकरी में, व्यवसाय में, खेती बाड़ी में, यात्राओं में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बरकत दे यीशु, इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी ओर उठाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।
तुझे